पाकिस्तान ने पहले एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका की जानब से 267 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर इमामुल हक 86, मोहम्मद फीज 71 और बाबर आजम 49 रन बनाकर टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया, जबकि फखर जमान ने 25, शुएब मलिक ने 12, सरफराज अहमद 1 और शताब खान ने 18 रन बनाए। प्रोटीज की जानब से ओलिवर ने 2, इमरान ताहिर और हैंड्रिक्स ने 1-1 विकेट हासिल की। पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए मैच में मेजबान टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। प्रोटीज बल्लेबाजों ने पुरएतमाद बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 266 रन बनाए। ओपनर हाशिम अमला ने शानदार बैटिंग करते हुए सेंचुरी स्कोर की और 108 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि हैंड्रिक्स ने 45 रन की इनिंग्स खेली। डेब्यू करने वाले वांडरसन 93 रन बनाकर आउट हुए। डेविड मिलर 16 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानब से हसन अली और शताब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। मैच के इख्तिताम पर मोहम्मद हफीज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया।